पीएचडी अगर आपको करना है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, पूरा वीडियो देखना एंड तक, काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। काफी लोग सोचेंगे ये सब हमें पता था, पर भाई लोगों नॉलेज जितनी हो उतनी कम पड़ जाती है। आप लोगों को पीएचडी करनी है तो पीएचडी के बारे में दोस्तों आज मैं ऐसी पांच टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, पांच से पॉइंट बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये पांच पॉइंट देख लेना भाई, जब भी पीएचडी में एडमिशन लेना, क्योंकि काफी लोग दोस्तों पीएचडी क्यों नहीं कर पाते क्योंकि उनको पांच पॉइंट पता नहीं होते और उनकी पीएचडी फेल हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए अगर आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, एमसीक्यू, पीवाईक्यू ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों ये दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल द फॉर्म और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों देखिए अभी पीएचडी करना सबका सपना होता है और अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हो या कर रहे हो तो आपके माइंड में होगा कि यार मैं भी पीएचडी करूं, मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगे, ये सबका सपना होता है। तो चलिए दोस्तों पहला हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। दोस्तों काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट में पीएचडी करूं, बैचलर में जो था या मास्टर में, या मेरा भी बिल्कुल ही अलग हो गया सब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, दोस्तों जब आप मास्टर में एडमिशन लेते हो तो आपके पास काफी सब्जेक्ट होती है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में काफी सब्जेक्ट होती है, वेबसाइट बनाना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अब आपको पीएचडी उस टॉपिक में करनी है जो आपका बेस्ट टॉपिक हो, आपको उसकी बेसिक नॉलेज पता हो और थोड़ी एडवांस नॉलेज भी पता हो। और दोस्तों आपको पीएचडी करनी जो आपको लगे कि हाँ यार ये एक मेरा प्रॉब्लम है या इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। काफी बार आपको लगता है ना कि वाह क्या बात है, हमने क्या कर दिया, आप कभी और स्मार्ट बनते हो कि अरे वाह ये तो मेरे को आता था, ये तो गलत है। तो दोस्तों वो वाला टॉपिक आपको पीएचडी करनी जो आपका परफेक्ट टॉपिक होना चाहिए, आपको कभी ऐसा ना लगे कि ये बोरिंग सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं पीएचडी मिनिमम 3 साल की, मैक्सिमम दोस्तों पता नहीं कितने साल की होती है, अगर आपके 7-8-9 साल लग जाते तो पीएचडी में आप खुद लीव कर दे। तो काफी लोग ये गलती करते दोस्तों पीएचडी और लीव कर देते, क्यों? क्योंकि उनका टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होता, और टॉपिक अगर खत्म नहीं होगा तो दोस्तों पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद। और जब आप जिस एज में पीएचडी करते हो वहां पर आपकी एज ऐसी होती है जहां पर आपको दोस्तों इनकम सोर्स होना जरूरी है, क्योंकि वो एज होती है दोस्तों 25-26। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी अगर दोस्तों आप पीएचडी करते हो तो रात दिन 10-12 दिन सोचो कि आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, गूगल पे आपको हर चीज का मिल जाएगा। और सब्जेक्ट से पहले ये भी सर्च कर लेना कि इस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक पर रिसर्च की गई है, क्या रिसर्च हुई थी, अप्रूवल हुई या नहीं। दोस्तों सारा आपको दोस्तों सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे से समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, सर्वे करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, तो हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों आपका कि पीएचडी कॉलेज, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर हम पीएचडी कॉलेज में कैसे एडमिशन लें, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं वार्निंग दे दूं कि कभी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ना ले, इससे पीछे एक कहानी देखती है। दोस्तों पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पीएचडी आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। एक पीएचडी होती है कि नहीं बस मेरे को नाम चाहिए कि डॉक्टर में लग गया, बस मेरे को इतना चाहिए, तो आप प्राइवेट कॉलेज से कीजिए अगर आपके पास अच्छा पैसा है। बट अगर आपको दोस्तों आप पीएचडी में फ्यूचर देख रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैं यहाँ पर मानूंगा कि आप एक सेंट्रल कॉलेज या स्टेट कॉलेज से करें। सेंट्रल कॉलेज का मतलब दोस्तों आईआईटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी हुई, ऐसे कॉलेज से आपको करना काफी बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट दोस्तों सबसे पहले रहेगी कि आपकी फीस काफी कम लगेगी, फीस अगर कम लगेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पीएचडी का कोई भी टारगेट फिक्स नहीं होता कि 3-5 साल लग जाए। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए लग रही है अभी प्राइवेट में और 5 साल पीएचडी चली तो आपके 5 साल लग जाएंगे, बट अगर वही गवर्नमेंट में दोस्तों कितना लगता है 16-17-18-50,000 या 20,000 मान के हम चलते हैं, तो कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होता। और दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में काफी सपोर्ट मिलते हैं, अच्छे अच्छे सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होती है जहाँ पर आपको काफी हेल्प मिलती है, और जो उनके एम्प्लॉय होते हैं दोस्तों वो काफी ज्यादा एडवांस होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों क्या होता है कि बस आपको पास के लिए ही तैयार किया जाता है कि हाँ आपका पीएचडी हो जाएगा। काफी कॉलेज से दोस्तों मैंने मेरे करियर में ऐसे भी देखे कि आप पैसे दो और आपको पीएचडी मिल जाएगी 4 साल बाद। अब देखो आपको किस रास्ते पे जाना है, रास्ता दोस्तों सबसे सही है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज से आपको पीएचडी करना है। एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अब कॉलेज में क्या देखना है, कॉलेज में दोस्तों सबसे पहले देखना कि आपके आसपास ही कॉलेज हो तो बेस्ट होगा। मान लीजिए अगर आप दोस्तों सवाईमाधोपुर में रहते हो, जयपुर में कॉलेज मिल जाए तो बेस्ट है, यानी आपके 200 किलोमीटर के आसपास कॉलेज होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर 6 महीने आपको या हर 3 महीने आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो ये जो पीएचडी चलती है दोस्तों 5-6 साल की चलेगी, और वहाँ पर अगर आप रोजाना कॉलेज जाओगे तो आपको काफ़ी लॉसेस हो जाएगा। मान के चलिए मैं राजस्थान का हूँ, मैंने पीएचडी की दिल्ली से, तो मेरे को हर जाना
प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर मैं दोस्तों अजमेर का हूँ और मैंने पीएचडी डिग्री बैंगलोर से, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि आपके नियर कॉलेज है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि दोस्तों आपके जिस कॉलेज में आप पीएचडी कर रहे हो वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ पर दोस्तों आपको ये देखना कि आपके सब्जेक्ट का टॉपिक है या नहीं है। तीसरी हम यहाँ पर बात करने वाले दोस्तों कि जो आप जिस कॉलेज में कर रहे हो वहाँ का प्लेसमेंट कितना है। प्लेसमेंट का दोस्तों यहाँ पर जॉब नहीं, प्लेसमेंट का मतलब है कि वहाँ पर पीएचडी कितने साल में कंप्लीट हुई है। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए भी जरूरी होता है कि दोस्तों काफी कॉलेज में क्या होता है कि पीएचडी कंप्लीट ही नहीं होती, स्टाफ उनको सपोर्ट नहीं करता, तो ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉलेज के बारे में कि आपको कॉलेज कितना सपोर्ट करता है। दोस्तों काफी कॉलेज आपने देखे होंगे, यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्टाफ काफी सपोर्ट करता है और काफी कॉलेजों में स्टाफ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि जो भी टॉपिक आप कीजिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर दोस्तों कॉलेज की लिस्ट बनाओ तो ये सब चीजें पॉइंट को आपको ध्यान रखना है जब भी बेस्ट कॉलेज सुना। दोस्तों ये कोई मास्टर को बैचलर नहीं है कि आपके तीन साल के बाद आपकी स्टडी जाएगी, नहीं। पीएचडी दोस्तों यहाँ पर पैसा बर्बाद होता है सबसे ज्यादा, जहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते, और रोजाना 2 से 3 घंटा देना पीएचडी को काफी जरूरी हो जाता है। और जितना जल्दी करोगे उतना फायदा रहेगा यार, इतनी अच्छी आपकी इनकम सोर्स बनेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है पीएचडी के साथ जॉब करना। भाई लोगों देखिए, जॉब करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम जिस एज में दोस्तों यहाँ पर जॉब करना जरूरी है, इनकम सोर्स होना जरूरी है, नहीं तो दोस्तों काफी बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती है। फैमिली को हम सपोर्ट नहीं कर पाते और फैमिली वाले सोचते कि जिसने बैचलर किया है मास्टर किया तो कुछ इनकम सोर्स होना चाहिए, बट वहां पर हमारे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इनकम सोर्स होना जरूरी है। तो आपको ये देखना कि आपके पीएचडी जो कॉलेज वाले आपको जॉब के साथ अप्रूवल देते या नहीं देते। दोस्तों काफी कॉलेज में रूल होता है कि आप जॉब नहीं कर पाओगे, काफी कॉलेज में दोस्तों ये रूल होता है कि आप पीएचडी भी करो जॉब भी करो, पार्ट टाइम फुल टाइम, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली बात मैं यहाँ कहूंगा कि जॉब करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कभी भी अगर आप इस एज में 26-27 साल में जॉब नहीं करते तो दोस्तों आपके साइकोलॉजी में बैठ जाता है कि जॉब करना इज नॉट कंपलसरी। आप वेट करते हो कब आपका पीएचडी हो, और पीएचडी होने में दोस्तों 5 से 6 साल भी लग जाते हैं, जहां पर आपका बैकग्राउंड काफी डाउन चल जाएगा, फैमिली की जो दोस्तों हालत है वो भी गंभीर हो जाएगी। तो भाई लोगों ये ट्राई करना, जब भी आपका नेट क्वालिफाई हो तो सबसे पहले एक तो पीएचडी में अप्लाई कर देना और एक किसी कॉलेज में अप्लाई कर देना, दोनों अप्लाई कीजिए। कभी भी किसका वेट मत करो कि ये होगा तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं, जो ऑन स्पॉट पे हो जाए वो सबसे बेस्ट है। तो चलिए अगला टॉपिक हम क्लियर करते हैं। दोस्तों हमारा फोर्थ टॉपिक है दोस्तों टारगेट। टारगेट मतलब दोस्तों आपको एक प्लान बनाना होगा कि मेरे को पीएचडी कितने साल में कंप्लीट करना है। दोस्तों काफी लोग क्या होते हैं कि पीएचडी का टारगेट नहीं बनाता कि चल रही है जब खत्म होगी हो जाएगी, नहीं, हर चीज का प्लान बनाना पड़ता है। अगर आप दोस्तों कहीं घूमने जाते हो तो 4 दिन में आपको क्या क्या घूमना है जयपुर में, आपका एक प्लान होता है, तो उससे अकॉर्डिंग हर चीज का प्लान बनाना है। आपको पीएचडी का दोस्तों पूरा प्लान बनाना है कि मेरे को पीएचडी 3 साल में करनी है, जब मेरी रिपोर्ट सबमिट करनी है तो किस साल में करनी है, अप्रूवल देना है तो किस साल में देना है, पीपीटी देना है तो किस साल में देना है। तो दोस्तों प्लान बनाना काफी जरूरी होता है, तो प्लान बनाइए दोस्तों पीएचडी का। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि व्हाट यू डू आफ्टर पीएचडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आप पीएचडी के बाद क्या करोगे, कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा। आप लोग सोचते हो कि कहीं किसी भी कॉलेज में जाकर अप्लाई करेंगे, एचओडी बनेंगे। भाई लोगों पीएचडी का और भी ऑप्शन होते हैं, तो पहले सोचिए कि आपको पीएचडी के बाद क्या करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप पीएचडी को 5 से 6 साल दोगे तो यार कुछ ना कुछ उससे भी तो लोगे दोस्तों। तो मेरी राय मान तो पीएचडी ऐसे टॉपिक पे करना जो काफी इंपॉर्टेंट हो, वो आपको पेमेंट भी दे। दोस्तों पीएचडी का अगर आप अच्छे टॉपिक पे करते हो और आपका रिसर्च जो अप्रूवल हो जाता है तो आपको मंथली भी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। और मेरी राय अगर ये भी मानो तो दोस्तों पीएचडी का स्कोप बनाओ कि मेरे को पीएचडी के बाद ये करना है। और अभी आप प्रेजेंट टाइम में कहीं भी हो दोस्तों, तो आज ही घर बैठे अपना टाइम टेबल बनाओ, और अगर पॉसिबल हो तो मेरे को पूरा जो आपका प्लान होगा वो मेरे को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन कर दिए। अगर आपको लगता है कि यस आई एम राइट, तो दोस्तों प्लान बनाइए और प्लान आप मेरे को व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।